आज हम बात करेंगे, अगर दोस्तों आपका किसी भी बैंक में दोस्तों आपका अकाउंट है और दोस्तों आपको बैंक बैलेंस चेक करना है या मिनी स्टेटमेंट निकालना है या आपको कुछ भी देखना है दोस्तों, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा किस तरह से आप अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आपको ATM की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप मैप खोल के ATM देख सकते हैं कि आपके बगल में कितने ATM हैं। सारा कुछ आपको दोस्तों इस ऐप में दोस्तों मिल जाएगा एक जगह पर। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ और बताता हूँ दोस्तों कैसे करना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिए, अगर दोस्तों स्किप करिए तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों आपको ये सर्च करना है, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको ये सर्च करना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा हुआ है, इसे आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेगा तो आपका पूरा इंटरफेस खोल के कुछ इस तरह का सामने आएगा। अब जैसे आपको यहाँ पर आपको अपना चेक करना है बैंक बैलेंस, तो जैसे मैं यहाँ पर बैंक बैलेंस चेक करता हूँ, अब आप यहां पर देख लीजिए यहां पर कितने सारे आपको बैंक मिल जाएंगे। यहां पर सारे बैंक आपको यहां पर मौजूद हैं, जिस भी बैंक में आपको देखना है दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं। किसी भी बैंक में दोस्तों आपका स्टेटमेंट है तो आप यहां देख सकते हैं। आपको सर्च करना है सिंपल से यहां पर आपको जिस भी बैंक में अकाउंट है, जैसे मैं यहां पर सर्च कर ले रहा हूं, मेरा यहां पर SBI में है, तो आपको यहां पर SBI सर्च कर लेना। आप SBI में सर्च करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर सिंपल SBI पर सर्च करना है। अब यहां पर आप देख लीजिए यहां पर दोस्तों आपका यहां पर बैंक बैलेंस चेक हो जाएगा, इससे मिनी स्टेटमेंट होगा, इस नंबर से कस्टमर केयर में बात होगा। दोस्तों आप कुछ भी दोस्तों वहाँ पे आप डीलर से यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग हो जाएगा इससे। अब मैं यहाँ पे आपको मिनी स्टेटमेंट चेक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों ये ऑटोमेटिक कॉल लग जाएगा। दोस्तों ये देखिए ऑटोमेटिक ये मिनी स्टेटमेंट मेरे फ़ोन पर दोस्तों आ जाएगा। ये जैसे मिनी स्टेटमेंट आएगा, अब ये देखिए ये मिनी स्टेटमेंट आ गया दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए ये मिनी स्टेटमेंट यहाँ पे शो कर दिया। ये देखिए ये मिनी स्टेटमेंट हो गया आपका, इतना है। देखिए ये आया है मिनी स्टेटमेंट। अब ये मिनी स्टेटमेंट यहाँ पे आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको इंटरनेट बैंकिंग भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर दोस्तों आपका अगर कोई भी चीज़ है, IFC कोड चेक करना है, कहीं भी आपको पैसे भेजने हैं आपको चेक करना है कि उस IFC कोड क्या है, उसका ब्रांच कोड क्या है, तो आपको यहाँ पर सारा डिटेल आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। प्रोसेस वाइज यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर मुझे स्टेट बैंक का चेक करना है तो यहाँ पे देख लीजिए आपको स्टेट बैंक आप चेक कर लीजिए जहाँ भी आपको होगा स्टेट बैंक। अब वहाँ का आपको चेक करना है, जैसे मैं यहाँ पे चेक किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको यहाँ पे स्टेट चूज कर लेगा, स्टेट चूज करके दोस्तों आपको जिस भी एरिया में आपको देखना है वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे करिएगा, अब आपको कहीं भी देखना है यहाँ पे तो आपका वो डिटेल यहाँ पे पूरा आ जाएगा, उस एरिया का आ जाएगा, उसका दोस्तों आपका क्या ब्रांच है, क्या उसका IFC कोड है, ब्रांच मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर, वो कहाँ से आप किससे बात करना चाहते हैं, वहाँ से सारा कुछ आपको इसी डिटेल में आपको यहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे नेट बैंकिंग यूज करिएगा तो यहाँ पे आपको सीधे वो नेट बैंकिंग उसके पर्सनल साइट पे ले जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए गोल्ड रेट भी आपको पता चल रहा है, क्या गोल्ड रेट चल रहा है, कितने प्राइस का चल रहा है गोल्ड रेट। यहाँ पे आप देख लीजिए गोल्ड का रेट चल रहा है, सारा आपको जो है एक दोस्त पे एक जगह मिलता है। अब आपको कहीं आप सफ़र कर रहे हैं और आपको पैसे की ज़रूरत है ATM की, अगर ATM नहीं मिला तो आप नियर बाई ATM खोज के दोस्तों आप कहीं भी ATM यहाँ सर्च करते हैं, बैंक सर्च करते हैं, ATM सर्च करते हैं, एयरपोर्ट, पेट्रोल पंप, जिम, यहाँ पे पूरा चीज़ आपको एक जगह पे सारा कुछ मिल जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छा ऐप है दोस्तों, आप इसे यूज करिएगा, ट्राई करिएगा, पेट्रोल डीजल का भी रेट पता चल जाता है, इसे यूज कीजिएगा दोस्तों, ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों आपको मैं कुछ नया चीज़ बताया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।